अज संत प्रीतिपाल सिंह जी जिहड़े सिख पंथ के बहुत बड़े दूसरे धर्म विचों आ के सिक्खी दीआं बहुत बड़ियां सेवावां निभा गए, उन्हां दी तस्वीर सुशोभित कीती गई आ। सो ये सत जिहड़े जिन्हां ने कौम दे लई सिख पंथ लई वड्डे कार्ज कीते, अपने प्राणा की परवाह नहीं की, सो उन्हां दी अज तस्वीरां जिहड़ियां केंद्रीय इस सिख अजायब घर के सुशोभित कीतीआं गईआं। पंजाब दे विच पिछले लंबे समय तो गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी दी घटनावां लगातार वापर रही ने, जिसका इंसाफ लैण दे लई सिख संगत वल्लों लगातार उपराले भी किए जाते हैं। इसे तरह गुरु ग्रंथ साहब जी की हुई बेअदबी का इंसाफ लैण दे लई सन 2015 सिख संगत दे वल्लों बैवल कलां दे विच धरना लगाया गया सी, जिथे गोली चलण की घटना होने तो बाद दो सिख नौजवान शहीद हो गए सी। इस घटना के 6 साल तो ज़्यादा समा बीत जाने तो बाद हुण उन्हां शहीद होए नौजवानों दीआं तस्वीरां केंद्रीय सिख अजायब घर अमृतसर विच लगाईआं गईआं ने। इस मौके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने गलबात करते हुए कहा कि केंद्रीय सिख अजायब घर के सिक्खी लई वड्डी घालणा घालण वाले सूरमियां दीआं तस्वीरां लगाईआं जांदीआं ने। इसे तहत बैबल कलां गोलीकांड के शहीद होए भाई कृष्ण भगवान सिंह जी और भाई गुरजीत सिंह जी तस्वीरां केंद्रीय सिख अजायब घर के भी लगाईआं गईआं ने। इन्हां तों अलावा 5 होर शख्सियतें दीआं तस्वीरां भी अजायब घर के श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वल्लों लगाईआं गईआं ने। धन धन साहब सतगुरु श्री गुरु रामदास पातशाह जी की इस पवित्र गुरु हरगोबिंद सिंह पातशाह जी की पवित्र इस धरती से केंद्रीय सिख अजायब घर जिहदे विच जिहड़े कोई देश लई कौम लई और गुरु पंथ लई कोई घालना घाल जांदे उन्हां दीआं तस्वीरां सुशोभित कीतीआं जांदीआं। अज संत प्रीतिपाल सिंह जी जिहड़े सिख पंथ के बहुत वड्डे दूसरे धर्म विचों आ के सिक्खी दीआं बहुत वड्डियां सेवावां निभा गए, उन्हां दी तस्वीर सुशोभित कीती गई आ। उन्हां दे नाल जथेदार हरबंस सिंह जी घुम्मण जिहड़े साडे मैंबर SGPC रहे MLA रहे, उन्होंने भी 1984 तो बाद बहुत बड़िया लंबिया घालना जोधपुर जेलों से कट्टिया घालियां नाल जाके उन्होंने नाल साडे जसवंत सिंह जी उन्हों का भी क्योंकि चेचे तौर के उत्ते अज तस्वीर जिहड़ी आ सुशोभित की गई है, जिन्हां ने कोले दीआं खानां दे विच अपने प्राणा की परवाह ना करते हुए उतों 70 जिहड़े सी व्यक्ति थल्लों कढ के लियांदे। ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह जी जिन्हें पाकिस्तान लड़ाई दे विच पुंछ सेंटर सैक्टर दे विच लगभग 45,000 शरणार्थी जिहड़ी उन्होंने जाना बचाईया, उन्होंने नाल सरदार सोहन सिंह जी जिन्हां ने निकासी की आ सचखंड श्री दरबार साहब जी के अंदर उन्हां दी तस्वीर सुशोभित की गई, नाल बैबल कलां दे दो महान शहीद भाई गुरजीत सिंह जी ते भाई कृष्ण भगवान सिंह जी जिहड़े बैबल कलां जदों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी उत्थे बेअदबी की पंथ दोखियां ने उहदे विच उह दोए शहीद हो गए सी। सो ये सत जिहड़े जिन्हां ने कौम दे लई सिख पंथ लई वड्डे कार्ज कीते, अपने प्राणा की परवाह नहीं की, सो उन्हां दी अज तस्वीरां जिहड़ियां केंद्रीय इस सिख अजायब घर के सुशोभित कीतीआं गईआं। बहुत बहुत धन्यवाद, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। इस मौके बैबल कलां गोलीकांड दे विच शहीद होए भाई गुरजीत सिंह दे पिता ने गलबात करते हुए कहा कि संगत वल्लों लगाए गए धरने दे विच उन्हां दे पुत्तर दे सिर दे विच गोली लगन दे कारण उन्हां दी शहीदी हो गई सी। अपने पुत्तर दी सिख अजायब घर दे विच फोटो लगन ते उन्होंने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का धन्यवाद भी किया। मेरा नाम मिंदर सिंह जी, मेरा बेटा कृष्ण भगवान सिंह पिंड बैबल बहुत धन्यवाद है जो ला गई फोटो तो थोड़ा लेट हो गया तो ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया धन्यवाद। दस दईए कि सन 2015 वापरे इस गोलीकांड 6 साल तो ज़्यादा का समा हो चुका है। SGPC वालों शहीदों दीआं तस्वीरां केंद्रीय सिख अजायब घर दे विच तां लगा दित्तियां गईआं ने, पर शहीद कृष्ण भगवान सिंह जी दे पुत्तर सुखराज सिंह अज भी बैबल कलां विखे इंसाफ दे लई धरना लगा के बैठे ने। हुण देखना होवेगा कि इस गोलीकांड दा इंसाफ आखर सिख कौम नूं कदों तक मिलदा है। अमृतसर तों गुरप्रीत राजपूत की रिपोर्ट, पंजाबी लोक चैनल।